क्या चल रहा था बेटा फिजिक्स में? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? मैं तभी नहीं छूटा क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है जिस पर नेट फोर्स जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है जिस पर कि नेट फोर्स जीरो होता है। तो यदि मैंने चार्ज ले लिया प्लस क्यू, देखो बेटा एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज हमने प्लस क्यू लिया, प्लस क्यू लिया। अब इसके मिड में यदि हम कोई चार्ज रख दें, ये डिस्टेंस है 2L ले लें, अभी समझाने के लिए, इसके बाद इस पर टिपिकल क्वेश्चन थोड़े से आते हैं, फिर वो कराएंगे। तो बेटा अच्छा ये दूरी L हो, ये दूरी L हो, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में F1, इस पर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में F2। क्या ये दोनों इक्वल फोर्स होंगे? L कांस्टेंट, Q Q इंटू Q अपान L स्क्वायर। तो ये इस जगह पे क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम। इस Q पॉइंट पे क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम, क्योंकि Q पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे तो कभी देने से रहा कि Q प्लस दे दे, बीच में पूछे कि इन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है जहाँ पे नेट चार्ज, नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो एक क्वेश्चन कराते हैं, बाद में एल्जेब्रिक ट्रिक भी बताते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए, ट्रिक आपके जेई के लिए या फिर नीट के लिए, ठीक? रिकॉर्डिंग आ रही? सही बेटा, आवाज़ तो आ रहा है ना। चलो अब निकालते हैं क्वेश्चन। पहला लाइक चार्ज, लाइक चार्ज मतलब दोनों चार्ज कैसे हों? सेम हों, सेम नेचर के हों, ठीक है? तो ये तो समझ गए, इस पे एफ नेट कितना होगा बेटा? एफ नेट जीरो। तो फर्स्ट हम बनाते हैं लाइक चार्ज। देखो आपके बोर्ड के लिए बहुत कम है, इसमें एक लाइन दो लाइन बता के इक्विलिब्रियम हो जाता है काम, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, फोर्स से भी अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, और हर दूसरे साल में एक बार देता है क्वेश्चन वो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अरे बातचीत मत करो, एक को वहाँ बैठा देंगे, एक को यहाँ, अड़ोसी और पड़ोसी दोनों गायब हो जाएंगे। पहला लाइक चार्ज, ठीक, सपोज इसको हमने ले लिया कितना बेटा? क्यू। इस चार्ज से इस चार्ज की बीच की दूरी L, इसको हमने ले लिया 4Q। बोलो सर 4Q क्यों ले रहे हैं? कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, पहले ही बार टफ कराने की जरूरत नहीं है, क्लियर है बेटा? अब बेटा यदि यहां पे मैं Q चार्ज ले लूं, तो छोटे चार्ज वाला फोर्स F1 इधर लगाएगा और बड़ा चार्ज वाला फोर्स F2 इधर लगाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं ये बात? और F नेट आपकी क्या आनी चाहिए? तो एक बात तो हम जनरली तौर पे बता सकते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछे ये टोटल डिस्टेंस इसने दे दिया बाय द वे L, R ले लो दिक्कत हो तो, L ले लूँ R ले लूँ बीच की डिस्टेंस कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर सब में R पढ़ाया, L ले लिए, लो भैया R, खुश। यदि मैं L ले लूँ तो ये डिस्टेंस मान लीजिए सपोज X,
ठीक, ये डिस्टेंस x, अब ये डिस्टेंस y, x लिया तो y ले लूं, ठीक। टोपा r माइनस x, ठीक, r x y तीन ले लोगे, हमारे पास बनेगी इक्वेशन दो, तीन अननोन दो इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, जितने अननोन उतने इक्वेशन हमारे पास होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथ। अच्छा ये आपसे पूछा जाए कि इस x की वैल्यू ज्यादा होगी या r माइनस x की वैल्यू ज्यादा होगी, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों? r बहुत बड़ा है बेटा, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, वो मिडिल में लिख के देगा ऐसा। अब आपको ही समझ में आना चाहिए, फोर्स अपोजिट लग रहा है। अब देखो बेटा, Q की वैल्यू इस Q से ज्यादा है, ये 4Q है, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 4Q इंटू Q हो जाएगा F2, दूसरा हो जाएगा F1 प्रोपोर्शनल टू Q इंटू Q। तो बेटा ये बराबर होने के लिए डिनोमिनेटर को ज्यादा होना पड़ेगा, बोलो किसी के नीचे। यदि इसको सेम करना है तो इसके भाई फोर कर दूं, इसके भाई वन कर दूं, क्या सेम हो जाएंगे? इसका मतलब x छोटा होगा और r माइनस एक्स बड़ा होगा। तो बेटा छोटे, अब जनरल बात बता रहा हूं, छोटे वाले पॉइंट के पास या छोटे वाले चार्ज के ज्यादा पास होता है तीसरा चार्ज, जिस पे क्या आता है, इक्विलिब्रियम। अरे यार इसके पास रख दोगे तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा और ये फोर्स बहुत कम हो जाएगा इस पास रख दोगे तो। बोले सर इसको सॉल्व करो फिर समझ में आएगा, सॉल्व कर देते हैं। यदि मैं कह दूं F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2, देन इक्विलिब्रियम। कितने लोग कहेंगे हम नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। यदि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो F1 इज इक्वल टू F2 होना पड़ेगा, क्लियर? सॉल्व करूँगा के F1 की वैल्यू निकालो बेटा, F1 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q अपान X स्क्वायर। बोलो यार बेटा, अभी सॉल्व मत करो, इसका फोर्स इतना होगा, इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर क्यू क्यू अपान आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात मत करो बेटा, कुछ कट पिट रहा है क्या? यन 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 काट दिया, इक्वल टू इतना कट गया सब, बचा क्या? बोले तो और आफत आ गई, कोई आफत नहीं है बेटा। रूट ले लूं इधर इधर, वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन अपान आर माइनस एक्स। बोलो टू आएगा पता, अब सही है, इसको रूट ले लिया, इसको रूट ले लिया, आ गया ये टू एक्स इज इक्वल टू 3x एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, ये दूरी आ गई हमारी r बाई थ्री, दूसरी ये दूरी
2R/3। तो अब ये बता दो, इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने के लिए हमें तीसरे चार्ज को छोटे वाले चार्ज के पास रखना पड़ेगा। बोलो, क्लियर हो गया? क्योंकि बेटा छोटे वाले चार्ज के पास रखोगे तो चार्ज तो छोटा है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, फोर्स ज़्यादा लगाएगा। बड़े वाले चार्ज पे चार्ज तो ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फोर्स इक्वेलेट करेगा। अब एक कम कमा रहा है, ठीक है, तो उसको खर्चे कम करने पड़ेंगे दूसरे वाले के बराबर आने के लिए, या तो दूसरा वाला ज़्यादा कमा रहा है तो खर्चे ज़्यादा करने पड़ेंगे। ये खर्चे ही तो हैं जो अपान में आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से एक पॉइंट हम जनरलाइज कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन नियर टू स्मॉलर चार्ज, ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल आया। ये दूरी मैंने निकाल ली x, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई, R/3। टोटल दूरी कितनी है? तो बेटा टोटल r है, तो r में से यदि मैं R/3 निकाल दूंगा तो ये दूरी बच जाएगी। चलो कोई बात नहीं, नोट करो फटाफट। बिल्कुल पूछो, ठीक है। ट्रिक, अंडर रूट Q1 अपान अंडर रूट Q2 प्लस Q1,
ठीक। इसको और कुछ कर सकते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं। बोले सर ये कैसे आया? बेटा सब में रूट Q1 से मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, रूट Q1 बाई Q1 वन, Q1 बाई प्लस वन, वैल्यू रखो देखो कितना आता है। R इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितना है बेटा? 4। Q1 की वैल्यू Q कट गया, कितना बचा? अंडर रूट 4 प्लस 1 आर अपान 2 प्लस 1 3। डेरिवेशन के लिए आए तो इससे कर देना, ठीक। केवल एक नंबर का क्वेश्चन आए डायरेक्ट कर देना। समझ में आ गया है कि नहीं? सिंपल था क्या ये एक्स जो फाइंड करते हैं हमेशा छोटे वाले से, कहीं इसको मत रख देना। ये भी तो हो सकता है, आप सब कुछ सॉल्व करें, आपका एक्स आ गया, अब आपने समझ नहीं आया कि मैं एक्स किसको रखूं, ट्रिक लगाया। तो बेटा x की वैल्यू आप बड़े वाले चार्ज से ना रख दें, इसलिए बताया गया है ये x जो डिस्टेंस है किससे है? स्मॉलर चार्ज से है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की डिस्टेंस। क्लियर? ऐसा नहीं बोले सर खुद ही पढ़ रहे खुद ही पढ़ा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आ रहा है ना बेटा? ठीक। क्या मेरे लाल जहां दिक्कत हो तुरंत बताओ, दिक्कत में कमी है दिक्कत में? अच्छा जल्दी छापो बेटा। और ऐसे में देखना आपको जो चार्ज मिलेगा वो स्क्वायर मल्टीप्लाई में ही मिलेगा, जिससे इजीली वो जैसे 1 मिलेगा तो 1 का मल्टीप्लायर 1, और या तो फिर आपको 4 मिलेगा क्योंकि इसका मल्टीप्लायर है 2 का, या तो आपको 9 मिलेगा, या तो आपको 16 मिलेगा, या तो आपको 25 मिलेगा। ठीक है कि आपको क्वाड्रेटिक ना लगानी पड़े यहाँ पे, ये ऐसे वैल्यूज मिलेंगे आपको, इसलिए चिंता मत करना। सर 3 रख के निकाल दो, अबे जो आएगा नहीं उसके लिए क्वाड्रेटिक में काहे फंस रहे हो, जो सिंपल आता है सिंपल निकालो, चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो। बोर्ड एग्जाम में खैर बड़ा मुश्किल है ऐसा क्वेश्चन देने का, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही है। रब कर दूं? लिखो डिसलाइक चार्जेस। अब चार्ज की पोलरिटी हमने क्या कर दिया? बदल दिया। अच्छा ये पता लग गया ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा और हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास रहेगा। नोट पॉइंट करो और लिखो, लिखो लाइक चार्ज सिस्टम हो, ऐसे ही लिखो हिंदी
समझ में आती है हिंदी में बेटा? इंग्लैंड से तो नहीं आए हो? पता लगा सर समझ ही नहीं पाते हैं जैसे हिंदी हिंदी बोल देते हो तो। लिखो, लाइक चार्ज सिस्टम हो या डिसलाइक चार्ज सिस्टम हो, इक्विलिब्रियम की पोजीशन हमेशा और हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास होगी। या इक्विलिब्रियम की पोजीशन छोटे चार्ज से नजदीक और बड़े चार्ज से दूर होगी। आज बता रहा हूं, एक हफ्ते बाद फिर ये आएगा और आप कहोगे कि सर चार्ज देख करके हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में नहीं बता पाएंगे। फिर कहूंगा बेटा पीछे की लेक्चर को याद करिएगा, ठीक। चलिए, अब हमने कैसे ले लिए बेटा डिसलाइक चार्जेस। चलो मल्टीप्लायर बदल दे, प्लस क्यू माइनस नाइन क्यू, चार्ज पोलरिटी अलग हो गई। बेटा कभी एल दे दे डिस्टेंस ना, तो आर की जगह एल समझ लेना, ठीक है। अब हर फंक्शन को टीचर नहीं बता सकता है क्योंकि बीच की डिस्टेंस कभी कभी वो एक्स दे देगा और आर देगा जो आपको निकालना होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, बीच की डिस्टेंस एक्स हो जाएगी तो आर जो है वो एक्स से छोटा हो जाएगा ना, तो आप समझ लोगे आर क्या है, वो पोजीशन है जहां हमें इक्विलिब्रियम निकालना है छोटे चार्ज की वजह से। छोटे चार्ज से निकाल लोगे तो बड़े चार्ज से अपने आप बता दोगे। चलिए, अच्छा दूसरा डिसलाइक चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू तो आप समझ जाओगे ना कि बीच में कहीं होगा। यदि इस सिचुएशन में मैं देखूं क्यू यहां रखूं, ये क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। चलो यहां क्यू रख के देखो, ये इधर फोर्स लगाएगा, इसको देखो ये कहेगा आ जा भाई मेरे पास, खतरनाक काम। इक्विलिब्रियम मिल ही नहीं सकता है क्योंकि नेट फोर्स ऐड हो रहा है इक्विलिब्रियम पे, उस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बोलो क्या इसके बीच में कहीं इक्विलिब्रियम हमें मिल सकता है? यहां ले जाओगे और पास खींचेगा, ये भी इसको रिपेल ही करेगा, तो ऐसे सिस्टम में बिटवीन इक्विलिब्रियम तो नहीं मिलेगा। खुद बताओ, हाँ अच्छा अंदर कहीं मिलने की संभावना लग रही तो बताओ। चलो बोलो यारे सर यहां नहीं मिलेगा तो यहां मिल जाएगा, लो क्यों को रख दिया। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, वो रिपेल करेगा इधर, तो क्या इन बिटवीन कभी इक्विलिब्रियम मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। पहली बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो लिख लो, डिसलाइक चार्ज में जो चार्ज गिवेन है उसके बीच इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिलेगा। चलो भैया इनके बीच की दूरी r और यहां हमें इक्विलिब्रियम मिल ही नहीं रहा है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम मिलेगा कहां? इनके बाहर मिलेगा। अब इनके बाहर यदि ये पोजीशन मैं ले लूं तो बेटा F2 इधर लगेगा और F1 इधर लगेगा, ठीक, लेकिन इक्विलिब्रियम यहां भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि F2 ज़्यादा लगेगा, ये बड़े वाले चार्ज के नज़दीक है। चलो इधर देखते हैं। अच्छा यदि यहाँ पे मैं Q चार्ज रख दूँ तो बेटा F1 किधर लगेगा? इधर लगेगा। F2 किधर लगेगा? इधर लगेगा। हाँ यहाँ पॉसिबिलिटी है मिलने की, क्योंकि बेटा Q बड़ा है तो इसी Q के पास इक्विलिब्रियम को होना चाहिए दूसरे चार्ज का। बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब ये कोई पोजीशन होगी जहां पे हमें क्या मिल सकता है? इक्विलिब्रियम। मान लीजिए Q से इसकी दूरी कितनी है? x है। क्या अब हम इक्वेशन बनाना शुरू करें? ले लिया पहला चार्ज, दूसरा चार्ज। बेटा समझ में ना आए नोट मत करना, जब बिल्कुल समझ में आ जाए तभी नोट करना, और यदि आप नोट कर रहे हो तो हम मान लेंगे कि आप समझ चुके हो, फिर मैं इसमें समझाऊंगा नहीं, तुरंत लिखते हुए चला जाऊंगा। और फिर लिखने वाला यदि पूछा तो बेटा कंटाप खाएगा, इतना नोट कर लेना। या लिखने वाले से मैंने पूछा और उसने एक्सप्लेन नहीं किया तो भी सेवाएं वैसे ही मिलेंगी। ठीक, तो यदि आप नोट कर रहे हैं तो आप विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का। चलो बेटा F2 कहेगा मेरी तरफ आओ, आ जाओ भाई, और F1 कहेगा दूर हटो। ठीक, अब देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ कुछ तो हो सकता है इसके साथ। क्या हो सकता है बेटा? इक्वेशन बन सकती है, और इस इक्वेशन में हमें F1 इज इक्वल टू F2 चाहिए। F1 इज इक्वल टू F2, ये नेसेसरी कंडीशन है किसके? इक्विलिब्रियम का। कितने लोग कहेंगे सर जो टेस्ट चार्ज ले रहे हो वो निगेटिव ले रहे हो? पॉजिटिव ले लो, सॉरी पॉजिटिव ले रहे हो, निगेटिव ले लो क्यू को, ले लो निगेटिव क्यू को, तुम्हारा मन है। अब बेटा F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा, मतलब तो बात वही है, F1 इज इक्वल टू F2। तो टेस्ट चार्ज हम कोई भी ले ले, लाइक और डिसलाइक चार्ज में जो चार्ज लेते हैं जिनके बिटवीन निकालना है हमें इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। टेस्ट चार्ज तो हम टेस्ट के लिए लेते हैं, अपने फील्ड पढ़ा होगा, एक छोटे चार्ज को लेके आते हैं उस फील्ड में और देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट क्यूई, तो आप जब डिवाइड करते हो तो वो टेस्ट चार्ज तो वैसे ही चला जाता है। क्लियर हो गया? अभी फील्ड में आप देखिएगा। चलो F1 की वैल्यू अब बोलो, F1 इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टू, एफ टू इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट नाइन क्यू इंटू क्यू अपान कोई बात नहीं, तुम एक्स आर कह लो, आर एक्स कह लो, ठीक है। नाइन आर प्लस एक्स हुआ कितने के समझ नहीं आया, सही बताना बेटा, समझ में आया? आर प्लस एक्स क्यों हुआ एफ टू के लिए? नहीं आया ना, पक्का बोलो, आ गया? नहीं। अच्छा देखो, इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम निकालना है। क्यू वन के लिए दूरी एक्स है, मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, लेकिन इस Q के लिए दूरी इतनी है, इतना R इतना X, R प्लस X, क्लियर हो गया? ये दूरी R, ये X, R प्लस X, क्लियर? चलो दोनों बराबर है, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई नाइन क्यू क्यू अपान R प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा, गए
कितना हो गया बेटा, 1 by x square is equal to 9 upon r plus x का whole square। ले लूं रूट में, 1 by x is equal to 3 by r plus x, 3x is equal to x, r is equal to टू एक्स, तो x इज इक्वल टू, अच्छा बड़े वाले चार से दूरी प्लस q से इक्विलिब्रियम की दूरी, अच्छा माइनस 9q से इक्विलिब्रियम की दूरी, बोलो बेटा समझ में आ गया। अरे x की दूरी r बाई टू, ये दूरी r बाई टू और ये r, r प्लस r बाई टू, 3r बाई टू। आपका फोर्स का क्लास छूटा हुआ है, कूलम्बिक फोर्स वाला क्लास छूटा हुआ है, हाँ तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बोलो समझ में आ गया क्या, यहाँ भी इक्विलिब्रियम छोटे वाले के पास ही है। सॉल्व, इसके लिए भी ट्रिक बता दूं, बिल्कुल दिक्कत नहीं बेटा, आप ही के लिए है। x इज इक्वल टू इंटू आर, सॉल्व करो इसको। और बेटा ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ देता है, इसीलिए मैं इसको लिखवा रहा हूं। अब इसको सिंपलीफाई करूंगा तो बहुत सिंपल आंसर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर अपान रूट क्यू टू बाई क्यू वन माइनस वन, वैल्यू रख के देख लो। चलो इसमें वैल्यू रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू आर अपान 9 by 1 3 minus 1, x इज इक्वल टू आर बाई टू। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये पोजीशन किधर बनेगी लाइक चार्ज के लिए, बातचीत नहीं बेटा, थोड़ी देर शांत रहो। वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
बस एक चैप्टर खत्म होने दो, आप अपने आप शांत हो जाओगे। मैं पूछूंगा, फिर मैं डिस्काउंट ऑफर रखूंगा 70% तक, ठीक। उससे कम आंसर दिए तो मैं पीटूंगा, और जो बोलेगा उससे मैं तुरंत पूछूंगा। तो आप बिल्कुल क्लास में नहीं बोलोगे, आप अभी नीट के क्लास में आके देखना, बोलती नहीं बेटे, 6 घंटे क्लास करते हैं, जब मैं हंसता हूँ तब हंसते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो बोलते हैं, बाकी टाइम वो बोलती नहीं है। क्योंकि वो पता है यदि बोलेंगे तो सिलेबस खत्म है, रिवीजन चल रहा है, पूछेंगे और फिर सूतेंगे, तो इससे अच्छा है चुप रहो। समझ में क्या समझ में नहीं आया बेटा? वो तो तुम्हें भी पता लग जाएगा 1 महीने के बाद कि डरते क्यों हैं। मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल प्यार से, तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं 5 बार समझाऊंगा, लेकिन चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, तुम बात कर रहे हो तो मैं पीछे से पूछूंगा कि अब ये बताओ फ्लक्स क्या होता है। अभी तो सीधे बता दूंगा, अभी सीधे बता दोगे, फिर पूछूंगा कि फ्लक्स का आप ये बताओ वैल्यू निकालते कैसे हैं, फ्लक्स एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। और जब टीचर चाहता है कि आपको पीटना ही है तो बेटा तुम कितना भी पढ़ के आओ फिर तो पीटी जाओगे। और टीचर इसलिए चाहता है कि आप बात ना करें, चीज़ों को बिल्कुल सीरियसली देखें, ठीक है। तो बेटा ये टेंशन ना लो, ये तो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बतिया लो, अभी टाइम भी उतना नहीं हुआ है, सिलेबस भी उतना नहीं खत्म हुआ है। चलो बेटा अब इक्विलिब्रियम पोजीशन समझ में आ गई। अब इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप की होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं हमेशा पीटूंगा ही, पढ़ाऊंगा भी, टेंशन ना लो, अभी से टेंशन में आ गया यार। कोई बात नहीं है बेटा, पीटने का मतलब ये थोड़ी है कि हाथ पैर टूट ही जाएंगे। नहीं सर, उतना पापा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी लगता है यार क्लास में तो दूसरा फ्रेंड किसी और फ्रेंड को बताएगा, वो फ्रेंड जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड होगा, फिर उसको ज़्यादा खराब लगेगा। ऐसी एज में ऐसा होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम कितने टाइप की है? 2 टाइप की। सेम चार्ज के बीच में स्टेबल और अनस्टेबल दोनों इक्विलिब्रियम आ सकते हैं। लोग अरे सर जो स्टेबल बनाएगा वो अनस्टेबल कैसे बना सकता है? वो अनस्टेबल ऐसे बनाएगा। देखो अब इक्विलिब्रियम कितने टाइप के हैं? फर्स्ट स्टेबल और सेकेंड अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है बेटा जिस पर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट कर दें फिर भी वो अपने पहले पोजीशन पे आने की कोशिश करे। इक्विलिब्रियम पोजीशन था, हमने उसको डिस्प्लेस किया चाहे लेफ्ट चाहे राइट, लेकिन वो वापस किस पोजीशन पे आना चाहता है? इक्विलिब्रियम के। तो कैसा हो गया? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पीछे वाला पूछ ही नहीं रहा जो, और क्या हो गया? वो एक्स हो गया। वो कैसा था? अनस्टेबल। लड़ाई झगड़ा हुई लेकिन वो एक्स नहीं बना, तो कैसा है? स्टेबल। होता नहीं है आजकल में, तो स्टेबिलिटी कहाँ आती है? कि कुछ होने के बाद भी कुछ पता ना लगे, पहले वाली पोजीशन पे आ जाओ। पता लगा घर पे लड़ाई किए, फिर चले आए पीटे पाटे, चले आए दोस्तों से बात किए, वापस लौट के फिर कहाँ चले गए? घर। तो क्या कैसा इक्विलिब्रियम है आपका? स्टेबल। कूटे गए, भाग गए, घर छोड़ करके बम्बई चले गए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने लगे, कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। आने आने का प्रयास नहीं किया। सिंपली समझ में आ गया? चलो बात करते हैं। सिंपली बात जो आपको बताया है, प्लस क्यू, दूसरा
प्लस 4q। अब बोले सर इसी का एग्जांपल क्यों रहे, इसलिए ले रहे हैं बेटा कि अभी अभी आपने सॉल्व किया है, आपके दिमाग में अभी अभी ये है। यदि यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज लिया तो आपको पता है ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है कि नहीं। ये टोटल डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर बाई थ्री। अब बताओ यार ये जस्ट पढ़ाए हैं अभी, ये डिस्टेंस 2r/3। ठीक, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे है? अब इसको मान लो हमने स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया इधर, ठीक। यदि हमने इसको इस पोजीशन पे प्लस क्यू लेके आए होंगे, यहां इक्विलिब्रियम था, ध्यान से समझिएगा, इधर लग रहा था F1 और इधर लग रहा था F2, ठीक, इतना क्लियर है। इस पोजीशन पे क्या था बेटा, हमने डिस्प्लेस कर दिया इतना इसको इधर, ठीक। अब बेटा F2 इधर लगेगा और ये F2 नहीं होगा, F2' होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स बढ़ गया। अरे यार डिस्टेंस कम होगी फोर्स बढ़ेगा, यहां पे डिस्टेंस 2r/3 थी, अब ये इधर शिफ्ट हुआ, डिस्टेंस 2r/3 से कम हुआ। डिस्टेंस जब 2r/3 से कम हुआ तो इसने इसके ऊपर फोर्स और ज्यादा लगाया होगा, तो क्या ये F2 इससे बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा, डिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। अब F1 की बात इसी पे कर ले, यदि F2 के बराबर F1 हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। तो पहली बात यदि मैं लिख दूं F2' इज ग्रेटर देन F2, लेकिन अभी ये बात डिसाइड नहीं होगी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ठीक। दूसरी बात, अब यार इस पर जो फोर्स लगा रहा था ये F1 था, अब ये इस पर फोर्स लगाएगा F1'। अच्छा ये बताओ, अब इसकी डिस्टेंस r/3 से ज्यादा हो गई है r/3 से कम? r/3 से ज्यादा हो गई, डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स की वैल्यू कम होगी। क्या मैं कह दूं F1' इज लेस देन F1? क्लियर हो गया बेटा? अब F2 जो है, F2' तो F2 से ही बड़ा है, F1' यदि F1 से बड़ा होता तो क्या होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता। तो बेटा F नेट किस डायरेक्शन में होगा, जिधर फोर्स ज्यादा है? क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है? तो ये बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल है, तो स्टेबल के बारे में बस एक लाइन सोचो या एक लाइन समझो, चार्ज यदि अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस, चार्ज को डिस्प्लेस करें और वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाने का प्रयास करे, तो ऐसी इक्विलिब्रियम क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं, एग्जाम्पल के साथ करो बेटा। बेटा इक्का बना रही हूँ नाटक, बता रहे हम ये बना रही साड़ी किनारा, अभी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछूंगा अनस्टेबल का, बताना एक्सप्लेन करना मुझको, ठीक है, जल्दी करो इसको बनाओ। यार क्वेश्चन आते हैं इस पे बेटा, कम्पिटेटिव एग्जाम का ना पढ़ाना हो, केवल आपको एकेडमिक पढ़ाना हो तो आपको ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेंगे, इतने क्लास में अभी केवल मैं फोर्स ही पढ़ा रहा हूँ, अब तक तो बेटा फील्ड और थ्योरम सब खत्म हो जाता। और उड़ा के पढ़ाना हो तो बेटा मैं बस नोट करते हुए चला जाऊँ। इसकी बेटा बिल्कुल वैल्यू आप निकाल सकते हैं,
यदि इस डिस्प्लेसमेंट का यदि वो दे देगा आपको वैल्यू, तो आप फोर्स की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स के लिए वही सब बाकी बातें, आर थ्री प्लस एक्स, टू आर थ्री माइनस एक्स, तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन अभी तक दिया नहीं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, ना देगा, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है आपसे। हो गया बेटे, अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम में केवल ये है कि ये सब भी होंगे, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसा नहीं है केवल यही इक्विलिब्रियम में है। अच्छा इक्विलिब्रियम, इस पर जितना ये फोर्स लगाएगा उतना इस पे लगाएगा, इस पर इतना जो फोर्स लगाएगा उतना इस पे लगाएगा, तो ये सिस्टम पूरा का पूरा किस में है, इक्विलिब्रियम पे। यदि मैं इसके लिए भी कोई इक्वेशन बनाऊं तो भी इक्विलिब्रियम बनेगा, इसके लिए बनाऊं तो भी बनेगा, इसके लिए बनाऊं तो भी बनेगा, ये पूरे के पूरे क्या बनेंगे, इक्विलिब्रियम सिस्टम ही बनेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि हम इसके मिडिल पार्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं और ये वापस वहीं आने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि F2 देखो बेटा, F2 डैश ग्रेटर देन F1 डैश, और F2 F1 डैश से भी बड़ा है, F2 डैश F2 से बड़ा है, और ये F1 से छोटा है, इसका मतलब F1 सबसे छोटा है। यदि मुझे ऑर्डर लिखना पड़े, कई बार ऑर्डर लिखने के आता है, F2 dash is greater than F2 is equal to F1 is greater than F1 dash। बोलो क्लियर है बिल्कुल ऑर्डर, बेटा आपकी समस्या थोड़ी सी अलग है, आपने फोर्स कम पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। चलो फील्ड तक आने दीजिए, ऑर्डर लिख लेना बेटा, लिखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में। सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यदि मिडिल चार्ज को हम डिस्टर्ब करें, हाँ लिखो, क्योंकि बेटा इसमें आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, कंपटीशन में आएगा। बोर्ड में आएगा तो न्यूमेरिकल बहुत हल्के आएंगे, वो आप कर ही लोगे। इसको डिस्प्लेस करें, क्या लिखे बेटा, हम डिस्प्लेस करें, तो ये चार्ज वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहता है, इस कारण इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये छप गया बेटा, अनस्टेबल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर कल, हाँ लिख लीजिएगा। इस सिस्टम में देखो, इस सिस्टम में चार्ज एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट किया गया है, तो
ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अभी आपने जो डिस्प्लेस किया है बेटा वो एक्स एक्सिस में ही तो किया है। अब आपको इतना तो जनरली पता होगा बेटा ना, यदि हम डिनोट करते हैं तो इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, और ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इसको जेड एक्सिस। ठीक, बाकी बातें कल। ठीक, इसको तो आपको पता ही होगा, बनाना हो बना लो। हमने बताया कि चार्ज को हमने किस एक्सिस में डिस्प्लेस किया है, एक्स एक्सिस में। अब हम इस पे इफेक्ट वाई में भी देखेंगे। ठीक, कल यही सिस्टम रखेंगे, चार्ज बदलेंगे और देखेंगे क्या एक्स पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। तो हमें ये नहीं रटना है कि दो लाइक चार्ज के बीच में हमेशा क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, ये नहीं याद करना है क्योंकि कंडीशन बदलेंगी, इक्विलिब्रियम बदलेगा। और कल ये खत्म होगा पोर्शन और कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ओके।